हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी औलाद की शादी ऐसे परिवार में हो जो कि स्वस्थ व संपूर्ण हो। परंतु देलवड़ा गांव में ऐसा ही एक गरीब परिवार है जिनकी दो लड़की है तथा एक लड़का है जो कि अभी छोटा है तथा इन दोनों लड़कियों की शादी लगभग 2010 में हुई थी जो कि हीरावास फतेहनगर में हुई थी। दोनों बहनों की एक ही समाज एक ही घर के अंदर शादी कर दी गई और ससुराल पक्ष वालों ने जल्दबाजी करके पहले तो लोभ लालच देकर उसकी शादी कराई। शादी के एक साल बाद बड़ी लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद ससुराल वालों ने उसे पागल कहकर एक कमरे में बंद कर दिया तथा उस लड़की को उससे अलग कर दिया। कुछ खाना नहीं देते हैं और ना और साबुन अलग कर दिया, मारते अलग हैं, बेल दी थी, धमकी दी। जब लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया और उसे पागल बताया। जब माता पिता ने अपनी लड़की को वापस भेजने के लिए पुलिस की सहायता ली तो पुलिस से उसे देवर ससुर व को थाने में बुलाया। लड़की की तरफ से भी गांव के पंच व महिलाएं थाने में पहुंची। उसके ससुर देवर के साथ आई महिला वकील ने बताया कि लड़की को एचआईवी पॉजिटिव है। तब जाकर माता पिता को ये बात पता चली। अस्पताल जाके मैंने उसको रिपोर्ट खून की जांच करवाई तो मैंने वो जिस टाइम पे मैंने वो रिपोर्ट आई जिस दिन मुझे मेरी पैर से मेरी जमीन नीचे खसक गई कि ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया है ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने ऐसे बड़ी बात छुपा के मेरी बच्ची की शादी करके और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कारण क्या है क्या नहीं इसका पता लगाया तो पता चलता है कि जो उसका पति है वो शुरुआत से ही 14-15 साल से ही ट्रक पर चल रहा है और ट्रक के वो साल साल दो दो साल तक अपने घर पे आना जाना नहीं होता है और उसका भी चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। उन घर वालों ने इसीलिए उस समय शादी के लिए इतनी जल्दबाजी की कि भाई बच्ची भी थोड़ी भोली है और अपना भी घर बन जाएगा तो अब वो चाहते हैं कि लड़की को न्याय मिले, उनकी नवासी उनको मिले ताकि उनकी लड़की शारीरिक व मानसिक पीड़ा से राहत मिल सके। साथ ही वो चाहते हैं कि लड़की के जीवन भर पालन पोषण व इलाज हेतु उनकी ससुराल पक्ष से मुआवजा मिले। और एक बेटी मेरी माँ पे भी है, अब उसको भी क्या दुखी रखते हैं, और अभी भी सुना था उसको जला दी, तो इसकी वजह से मैं कुछ कार्रवाई कर नहीं सकती। जैसे कोई संस्था हुई और ना जैसे कोई भी सरकार हुई, मेरी बच्ची का अगर मदद भी करना चाहेगा तो मेहरबानी होगी उसकी। लड़की की जो लड़की है वो क्यों नहीं दे रहा उस लड़की को? अब मैं लड़की को 2-3 बार मैं खुद मतलब मैंने लेने भी गई थी तो उन्होंने मारा पीट करी थी। लड़की का तो माँ का पूरा अधिकार है, वो लड़की को मैं कुछ भी करके मैं लड़की को तो मैं लेके आऊंगी। मैं शंभूलाल खट्टी राजस्थान के राजसमंद जिले के देलोड़ा गांव से इंडिया अनहट के लिए।